कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरि के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा भी की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन से अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस दिन को धनतेरस के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही किसान के घर माता लक्ष्मी के ठहरने की एक अन्य कथा भी प्रचलित है। आज हम आपको यह कथा सुनाएंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। एक बार की बात है भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब देवी लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु को अपने साथ ले चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम वैसा ही मानो तो फिर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तब माता लक्ष्मी ने उनकी बात पर हाँ भर दी और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं आऊँ तुम यहीं पर ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी माता के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे वहाँ जाने से मना किया है, और भगवान स्वयं चले गए हैं। माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े माता लक्ष्मी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ आगे जाने पर ही माता लक्ष्मी को सरसों से भरा एक सुंदर खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों के फूल की सुंदरता देखकर माता मंत्रमुग्ध हो गई और उन फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी और उसके बाद माता आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से माता लक्ष्मी जी ने गन्ने को तोड़कर उनका रस चूसने लगी। माता लक्ष्मी जिस क्षण गन्ने का रस चूस रही थी उसी क्षण भगवान विष्णु आए और यह देखा कि माता लक्ष्मी गन्ने खा रही है। तब भगवान विष्णु जी उन पर नाराज हो गए और नाराज होकर माता को श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान के यहाँ पर चोरी की। अब तुम इस अपराध के जुर्म में किसान की 12 वर्षों तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को पृथ्वीलोक पर ही छोड़कर स्वयं क्षीर सागर चले गए। तब देवी लक्ष्मी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। गरीब किसान के घर में रहते हुए एक दिन देवी लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माता लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन स्वर्ण एवं इत्यादि सभी सुख सुविधाओं से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद जब लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, जब विष्णु जी माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने माता लक्ष्मी को भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, यह कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े राजा भी नहीं रोक सकते हैं, इनको मेरा श्राप था इसलिए 12 वर्षों से यह तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम्हारी 12 वर्षों की सेवा का समय पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब माता लक्ष्मी को मेरे साथ जाना होगा। तब किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने किसान से कहा कि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना, रात में घी का दीपक जला कर रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊँगी। यह कहकर माता दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार उनका पूजन किया और फिर किसान का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस किसान पर कृपा की वैसे ही हम सभी पर कर। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले